नमस्कार, रियल लाइफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज रियल लाइफ रेसिपी आपके लिए लेकर आया है खीरे का रायता, वो भी बिना गैस जलाए, बिना किसी परेशानी के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 खीरा। सबसे पहले हम इसे दोनों तरफ से काट लेंगे और इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। मैंने दोनों खीरे का छिलका उतार लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। इस रेसिपी में मैंने लहसुन का यूज नहीं किया है, इसलिए जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी इसको बना करके इसे खा सकते हैं। खीरा हमारा कद्दूकस हो चुका है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे दही। मैंने 200 ग्राम दही लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। दही हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, सफेद नमक स्वाद के अनुसार, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च 1 से 2 बारीक कटा हुआ। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, इसे मैंने कद्दूकस करके लिया है, इसे भी हम मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनार के कुछ दाने, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें वरना ना डालें, इसके बिना भी रायता बन सकता है। अब हम इसे धनिया पत्ता से सजा करके इसकी गार्निशिंग करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक बार इसे बना करके ज़रूर देखें।